से उठ के हम ISB की बस अड्डे आ गए हैं और यहाँ से अब हम सोच रहे हैं कि जाना कहाँ है। और ये बस है जिसमें अपन जाएंगे, सबसे बड़ा बस अड्डा है ये। किस्मत इतनी खराब चल रही है, धोखे धोखे हो रहे हैं हमारे साथ। इधर अपना पिक्चर पैलेस से मॉल रोड, बाकी मैं कभी कैश लेके चलता नहीं, अभी पैसे दे रहे। ये देखो भाई साहब, ये पुलिस चौकी कोई कह देगा, साथ चढ़ रहे गंदे वाले, हालत खराब हो चुकी है भाई साहब। तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं हूँ अभी दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट, जो बस अड्डा है ना, यहाँ पर हूँ। और मेरे साथ है ये मन्नू और दोस्त है मेरा। तो हम दोनों का भी यही प्लान था, मैं भी 2-3 दिन से ढूंढ रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, बट अचानक इसका फ़ोन आ गया। तो अब भी अपना प्लान कुछ नहीं है, दिल्ली अपने घर से उठ के हम ISBT बस अड्डे आ गए हैं और यहाँ से अब हम सोच रहे हैं कि जाना कहाँ है, हिमाचल जाए या उत्तराखंड। तो अभी देखते हैं, अभी पहले हम बस अड्डे को आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसा ये बस अड्डा है, यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है और मतलब बसें कौन कौन सी आती है। तो चलो पहले बस अड्डा दिखा देते हैं और फिर आपको दिखाएंगे अपन को जाना कहाँ है। बहुत जाना है यार, चलो भाई चलो। तो भाई अपन चले गए थे उस साइड और अपने को पता चला भी इधर से जाना, अपने को मेन यहाँ से है और दोनों का यही डिसाइड हो रहा है कि हिमाचल नहीं उत्तराखंड साइड जाएंगे। तो पहले बस पकड़ते हैं, शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो पहले बस पकड़ते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि अपना फाइनल कहाँ जाना है। मतलब मसूरी में ऑलरेडी जा चुका हूँ, अब ये है कि बार बार एक जगह ना जाए। तो भाई ये देख लो, ये खड़ी है बस वगैरह यहाँ पर, अब देखते हैं इनमें से कौन सी लेते हैं। ये सारा लिखा है कोटद्वार 1751, इधर देखते हैं कहाँ ले जाएगा ये लड़का हमारा। फिर पिछली वीडियो में देखा होगा, जब पिछली बार मैं मसूरी गया था तो नियो गो में ही गया था देहरादून तक। तो चलो पहले इसमें चलते हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या प्राइस देती है या हमें ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। बाकी हिमाचल की भी खड़ी है यहाँ, ये उत्तराखंड पर ही वन खड़ी है, देखते हैं भाई कितना रेट बताएगा ये, या हमें ऑनलाइन ही फिर बुक करनी पड़ेगी या फिर लोकल बस में जाएंगे, मतलब वही सरकारी बस में, पता करते पहले। हाँ और क्या, कुछ भरोसा नहीं ना, पूछ ले पहले इससे। बुकिंग करनी पड़ेगी, ऑलरेडी बुक है, यही सारी बुक है। अब दूसरी कितने बजे की है? इससे पीछे आ रही है 9 बजे वाली, बहुत टाइम लग जाएगा 9 तो। तो भाई देख लो इतने की टिकट हुई है, एक बंदे की है 562 और 1124 की दो, और ये बस है जिसमें अपन जाएंगे, AC वाली है। सीट नंबर कौन सा है इसमें देख ले एक बार, गवर्नमेंट व्हीकल। भाई साहब कहीं पर बैठ जाओ, और सामान सामान अरे ये दो सामान ये ऊपर आ जाओ। चलो भाई ये नहीं है बड़ी बस, ये वाली है। चलो भाई ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। नहीं आ जा गई, डबल वाली है, बैठ जाना डबल वाली, कोई आई है वही है। सो भाई बस में बैठ गया, बस में अंधेरा हो रखा पूरा, ये पूरी बस है पीछे, अभी इसमें कुछ दिखेगा नहीं। बाकी ये अपना ISBT बस अड्डा होगा, देख लो। सो भाई हमारी बस चल चुकी है ISBT कश्मीरी गेट का जो बस अड्डा है ना, यहाँ से हर जगह की आपको बस यहाँ मिल जाएगी, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, UP हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ जाना हो आपको यहाँ से मिल जाएगी। सबसे बड़ा बस अड्डा है ये दिल्ली के अंदर। और जो ये बस थी हमारी, हमने दिखा दी आपको, 500 कुछ की एक बंदे की टिकट है और दो बंदे की 1100 कुछ की। अभी पीछे जो शोर आ रहा है, ये पीछे बालक बैठे, बालक पता नहीं कहाँ से आ गए, इतना हल्ला काट रखा है। बाकी ठीक है, तो भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से अब पहले देहरादून की तरफ। सो भाई ये मुरादनगर आ गया है यहाँ पर। मैंने तो सोचा था ये बस वाला शायद हाईवे से ले जाएगा, लेकिन ये पुराने वाले रास्ते से ले गया है, जो मेन हाईवे है ना, जो आपने अभी देखा होगा जो हरिद्वार के लिए जाते हैं उस रास्ते से जाते हैं, जो बड़े वाला हाईवे है मुजफ्फरनगर वाला, तो वहाँ की बजाय ये लेके जा रहा है अपना अंदर वाले रोड से, जो पुराना रोड है। तो भाई यहाँ पर रुके हैं, ये अपनी बस है ये पीछे खड़ी, बाकी ये बंद पड़ा है पूरा, देखते क्या कुछ सिस्टम है, समझ से बाहर सिस्टम है भाई, है क्या वहाँ
तो भाई ये अपनी बस है यहाँ पर रुकी थी 15-20 मिनट के लिए। मेन ये था कि रुकी इसलिए थी कि खाना खाना था। तो बट दिक्कत ये हुई, किस्मत इतनी ख़राब चल रही है आज। पहले तो घर से बिना सोचे संजय निकल गए कि कहाँ घूमने जाना है। अब यहाँ बस मिली तो बस दिखा के दूसरी बैठा दिया दूसरे में, तो धोखे हो रहे हैं हमारे साथ। बाकी भाई हमारे अभी बस चला ही रहे हैं, और कश्मीरी गेट से बस चली थी। बाहर से लोकल सी है लेकिन अंदर से इसका एसी बहुत जेन्युइन है, एसी की क्वालिटी अच्छी है। बट हाँ एक चीज़ है कि अंदर है ना शोर शराबा बहुत हो रहा था, तो मैं आगे आके बैठ गया कि इसी बहाने आपको थोड़ा सा आगे का व्यू भी दिखा दूँगा कि कैसा है कैसा नहीं है। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा इस व्यू को देख के। पूरा मैंने वाइड एंगल में आपके लिए मैंने इसको बनाया है। और यहाँ से हम चल रहे हैं बस, अब सुबह पहुँच जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा वही 2 बजे तक, जहाँ तक अंदाजा वैसे, क्योंकि भाई ने 2 बजे ही बोला था। बट देखो कितने बजे तक ये पहुँचाएँगे हमें। तो भाई 4 घंटे का सफ़र बताइए, पूरा 12 ही कर दिया। अब रात के बज रहे हैं, डेढ़ क्यों 2 बज रहे हैं, और अपन अब पहुंच चुके हैं देहरादून ISBT सामने, और ये अपनी बस थी ये वाली। तो भाई रात के बज गए 2 से ज़्यादा का टाइम हो गया है, और अपन अभी देहरादून पहुंच चुके हैं। ये देखो ये लिखा मसूरी कैंट वसंत विहार, मतलब पूरा वही है, दिल्ली जैसा हिसाब किताब है देहरादून का, तो दिल्ली जैसा ही लगता है पूरा A to Z। अगर कैसे भी देखो बस थोड़ा ये देखो गंद गुंद कैसा पड़ा है, ये मतलब कोई है भाई सेम टू सेम दिल्ली मान लो। सो भाई मसूरी बस स्टैंड हम पहुंच गए हैं, और ISBT हमारी बस रुकी थी। ISBT से ये मान लो कितना होगा, 2-2.5 किलोमीटर होगा, ज़्यादा 6 किलोमीटर है, लगा तो नहीं ना 6 किलोमीटर। अच्छा तो भाई ISBT से मसूरी बस स्टैंड है 6 किलोमीटर। तो हमने ऑटो किया था, ISBT बस रुकी थी जहाँ हमारी ऑटो, हम दो जनों का हमारा किराया था 150 रुपये, मतलब 150 रुपीज़ 2 बंदों का ISBT से मसूरी बस स्टैंड। और यहाँ आके हमें पता चला कि जो बस वगैरह है वो सारी सुबह 5 बजे चलेंगी, इस टाइम कोई नहीं चलेगी। और यार मतलब सही बात है, पहाड़ी एरिया रात को कौन बस चलाएगा यहाँ, और तो इतना रुकने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी मसूरी में। ये दिक्कत यहाँ आ गई थी, और कैंसिलेशन हम कर रहे थे तो उसमें पता चला कि रिफंड नहीं होगा। तो इस चक्कर में अब क्या बोलते हैं, हमने करी है टैक्सी, और टैक्सी का हमें जो किराया है वो है 1610 रुपये, और कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ये सब मतलब यूनियन का जो प्राइस है उसी प्राइस पे अपन यहाँ से जा रहे हैं मसूरी। तो अभी मसूरी चलते हैं, ये मन्नू बैठा है पीछे, और ये भाई साहब है हमारे साथ जो हमें मसूरी ले जा रहे हैं। बाकी अभी आगे रोड दिखाता हूँ, रोड थोड़ा बहुत ही दिखा पाऊँगा क्योंकि रात का टाइम है, इस टाइम कुछ भी नहीं दिखेगा। तो चलो आगे चलते हैं, पहले दिखाते हैं आपको फिर। तो भाई अपन फाइनली पहुंच गए अभी मसूरी, ये सामने है पिक्चर पैलेस, ये दिख रहा है ना ये वाला, ये पिक्चर पैलेस है। और ये रोड जा रहा है ऊपर की तरफ, क्या नाम था जगह का मैं भूल गया, लैंडोर, ये जा रहा है लैंडोर की तरफ, और ये जा रहा है अपना पिक्चर पैलेस से मॉल रोड, जो लाइब्रेरी रोड है ना ये अंदर जाके पूरा वहीं लाइब्रेरी बोर्ड पर ही मिल जाएगा। और ये है पीछे बस अड्डा इसी रोड पर आगे की तरफ, ये हमारी टैक्सी है, ये भाई साहब हमें लेके आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो सामान उठाते हैं पहले अपना, अरे राम जी हेलो, और क्या है अब यहाँ से अपने को चलना है हॉस्टल तक, सुबह के 4 बज गए, बताओ कितना ज़्यादा वो टाइम लगा दिया है ना अपना। बस पैसे दे दे भाई के, कैश तो कम होंगे, कितने हैदराबाद कैश मेरे पास 200 ही पड़ेंगे, तू देख एक बार तेरे पे दूँ ना तो फिर मैं देखता हूँ। ये बहुत लफड़ा है यार कैश का, पता है मैं अभी कैश लेके चलता नहीं क्योंकि आदत ही नहीं है शुरू से कैश लेने की ना। और अरे तो अभी हो गया, हाँ नहीं पहले तो चलते थे बट अब आदत नहीं है ना। अब अपन मैं तो शुरू से जब से ट्रेवल किया अपनी लाइफ में अभी तक एक साल से ट्रेवल कर रहा हूँ, और इसे 1 साल में एक नेपाल था जहाँ मैं कैश लेके चला था, बाकी मैं कभी कैश लेके चलता नहीं। बाकी अभी पैसे दे रहे हो 1600। तो भाई ये कैब जो हमने करी थी देहरादून से मसूरी बस स्टैंड से मसूरी यहाँ तक पिक्चर पैलेस तक 1610 रुपये में, अब यहाँ से चल रहे हम। मैंने सामान तो ओके है, फ़ोन मेरी जेब में है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ठीक है जी। चलो भाई अब चल रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, यहाँ से अगर टैक्सी अंदर जाएगी तो ये लोग बैठे हैं तो ये लेंगे
200 रुपये टैक्सी का एंट्री का, मतलब क्या ही सिस्टम है नहीं हुए 200 रुपये क्या मतलब बनता है भाई, दुनिया जा रही है हम चले जाएंगे तो क्या होगा। ये भाई पिक्चर पैलेस इधर का फेमस है, पिक्चर पैलेस, और ये रोड जाएगा सीधा मॉल रोड पे। तो अपन पहले चल रहे हैं अंदर मॉल रोड पे, अपना होटल है जो हॉस्टल है, सॉरी होटल नहीं अपना हॉस्टल है। तो अभी हॉस्टल चलते और फिर मिलते हैं आपसे। सो भाई ढूंढ रहे हैं अभी रास्ता, मिल नहीं रहा है भाई, मिले एक हेलो इनसे पूछ रहे हैं, बाकी अभी मन्नू फोन कर रहा है। भैया ये पुलिस चौकी कुलरडी पे खड़े हैं, यहाँ से कहाँ पर है रास्ता? ये देखो भाई साहब, ये पुलिस चौकी कोई कह देगा, कैसा होटल सा लग रहा है पूरा। पहली बार देख रहा हूँ ऐसी पुलिस चौकी। होटल में वो रास्ता बताओ, ये मसूरी के जो पिक्चर पहले से ना, ये रोड है जो इसी रोड पे है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। साईं बाबा मंदिर है, कुलड़ी पुलिस चौकी। सो भाई रास्ता में मिल गया है, ओहो भैंस की आंख, इधर तो शिकारी बैठे हैं और अपने जाना ये रास्ता हमारा शैलोम बैकपैकर, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, साथ चढ़ रहे गंदे वाले, ये रहा। अबे हाँ ये शैलोम बैकपैकर। अबे भाई हार्ट अटैक हो गया, चलो बुला भाई साहब। ये आज का ठिकाना हमारा शैलोम बैकपैकर। कोई है? यहाँ रुकेंगे आज हम, कोई है भी? योगपुर तक पूरा हॉस्टल है, और इसका भी प्राइस वगैरह वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको, देखते रहना। हालत ख़राब हो चुकी है भाई साहब बहुत ज़्यादा, ये फ़ोन कर रहा है अभी, बाकी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा अभी, लेकिन सच में देख गेट पर खड़े हैं, गेट पर हालत ख़राब है भाई। चलो भाई पहुँच गए हैं, भाई बस वाले ने हालत ख़राब कर दी हमारी, बस वाले ने गलत बस पकड़ ली हमने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई हमारी, रुड़की से यहाँ तक तो एसी बंद हो गया बस का। तो भाई हॉस्टल अपन पहुँच गए हैं, शैलोम बैकपैकर रिसेप्शन पे है। हेलो गाइस, हेलो, ये है ये भाई साहब हैं हमारे, हेलो कर दो भाई सबको। हेलो भाई। तो आज का ठिकाना हमारा यही है, तो अभी पहले चेकिंग करते हैं, थोड़ा रूम में जाते हैं, फ्रेश व्रेश होकर सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सुबह, बाकी अभी रूम का भी दिखाते हैं आपको। हाँ। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम के अंदर, और हॉस्टल का नाम है शैलोम बैकपैकर, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ रेस्ट, क्योंकि मेरी हो रखी है इस टाइम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भाई साहब। शाम को 6:30 बजे हम बैठे थे बस के अंदर ISBT में, और अब टाइम देख लो क्या हो रहा है, कितना टाइम हो रहा भाई मैं दिखा देता हूँ, 4 बजे टाइम दिखाता हूँ, ये देखो टाइम देखो अरे ये क्यों खुल रहा है, ये मेरी शक्ल देख लेता है बार 3:57 ना, तुम लगा सकते हो। शाम को 6:30 बजे चले दिल्ली ISBT से बस में, बस वाले ने हालत ख़राब कर रखी, रुड़की तक पहुँचे, रुड़की में आगे बस का एसी ख़राब हो गया, और एसी ख़राब होने के बाद हमारी हालत इतनी ख़राब होगी गर्मी में देहरादून तक आए। फिर वहाँ से 1600 रुपये की हमने टैक्सी ली, 1600 रुपये की टैक्सी लेके हम सीधा हॉस्टल आए हैं, और इस हॉस्टल का प्राइस भी मैं आपको कल बताऊंगा, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, राम राम करो भाई, राम राम भाई, राम राम, राम राम भाई।